जगह देने के लिए नहीं, बल्कि इस घर में जगह देने के लिए, मेरा विश्वास करने के लिए। थैंक यू। काव्या के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या कहेगी आदि के बाप से कि वाह गिरिराज प्रधान साहब, आपने तो बड़ी अच्छी ही प्लानिंग की थी अपने साथ साथ मेरी मॉम को भी फंसाने की, लेकिन मेरी माँ बहुत ही मासूम निकली, उसने तो वो सब बातें की जो कि तुम उसको बताते रहे, लेकिन आप शायद ये भूल गए थे कि वो मेरी माँ है और मैं काव्या हूँ। काव्या वो जो अपने से जुड़े हर रिश्ते को इस तरह से लेकर चलती है कि उस पर आँच भी नहीं आने देती, जिस पर आदि का बाप कहता है कि बस करो, तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ क्या करने वाला हूँ। वो इस तरह से फंसेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती, अगर मुझ पे आँच आई तो तुम्हारी माँ भी बचकर नहीं निकलने वाली। ये सब मामलात उसी की वजह से हो रहे हैं, मैंने मेन टारगेट तो उसे ही बनाया था और वो मामूली सी औरत ऐसे आसानी से फंस जाएगी, इसका तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। अब देखना तुम मेरी पावर के मैं किस तरह से बच के निकलता हूँ, और फंसेगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ, और सब देखते रह जाएंगे। जिस पर काव्या कहती है कि अच्छा आप इस तरह से भी कर सकते हैं तो करके देख लें, मैं भी तो देखूं कि आपकी पावर आपको किस तरह से बचाती है।